क्या कह रहे हैं आप व्यापारियों से, किस तरह का विकास आप करने की बात कह रहे हैं? यहाँ हम आज मेन सिविल लाइन्स में और मेन बाज़ार में आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील करने के लिए निकले हैं। सब दुकानदार भाइयों का, सब व्यापारी भाइयों का पूर्ण रूप से हमें समर्थन मिल रहा है और सभी व्यापारी भाई खुश हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं, खासकर व्यापारी भाई, भाजपा और कांग्रेस से बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। अब उनको तीसरे विकल्प के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, एक नया चेहरा, नया प्रत्याशी मिला है और सब जन जन का समर्थन मुझे पूरा मिल रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई यदि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और बिजली 300 यूनिट फीट देने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है, और तो कह रहे हैं बिजली तो वैसे भी कम ही रेट चलता है, तो उस चीज़ को लेकर आप देखिए, ये लोगों की सोच है। 300 यूनिट बिजली फ्री ही नहीं है, 300 यूनिट बिजली फ्री है, रोजगार के गारंटी योजनाएं हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का प्राविधान है, ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं हैं। और ये जुमलेबाजी नहीं है, जैसे कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सब कुछ दिल्ली में हमने करके दिखाया और दिल्ली में ये सब चीज़ें लागू हैं। तो व्यापारियों के लिए क्या सोचा, आप खुद भी एक व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या लाभ दे रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, तो व्यापारियों के हित में जितने भी कार्य होंगे, जो कि हमने दिल्ली में लागू किए हैं, वो कार्य उत्तराखंड में भी लागू किए जाएंगे। चलिए, कह रहे हैं जो दिल्ली में कार्य हो रहे हैं वो उत्तराखंड में भी किए जाएंगे। हम यहाँ के जो और भी पदाधिकारी हैं उनसे जाते ठीक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की लहर है, उससे दोनों ही पार्टियाँ, जो यहाँ की सत्तासीन पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी, दोनों भयभीत हैं और उनका नीचे की जो है धरातल से उनकी ज़मीन खिसकी हुई है और वो हर गीज कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को लड़ाने में। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी, हमारा इन बातों से कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी जो है ग्राउंड से उठ के मुद्दों की बात करती है और जो हमें परिवर्तन लाना है, जो हमारे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लाया है, वही मॉडल हम रुड़की में तो और या उत्तराखंड में देखे तो यहाँ तो भाजपा की और कांग्रेस की लहर है। आपका तो कोई जनाधार यहाँ खत्म बिल्कुल नहीं। नहीं, जनाधार देखिए, हमारे पास जो है जनाधार ऐसा नहीं है हम दिखाओ हैं या हम किराए के हैं, सब हम हमारा दिल से लोग जुड़े हुए हैं, दिल से भावना से सब पब्लिक जुड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो। देखिए, इनकी जो आपसी लड़ाई है, उस लड़ाई से हट कर हमारा विकास के मुद्दे पर ही बात है और हम जनता है कि जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं उनसे ही बात करते हैं और आम आदमी पार्टी जरूर इस बार जो है परिवर्तन लाएगी और आम आदमी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। हम महिलाओं से बात कर लेते हैं, महिलाएं क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? जी, क्या कहना चाहेंगे? आजी गुड़ी, आप आओ। मैं सभी नवयुवाओं को ये कहना चाहूँगी कि अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए वोट दें, किसी भी गलत फहमी में आके वोट ना दें। वोट फॉर झाड़ू, वोट फॉर अरविंद केजरीवाल, वोट फॉर कोटियाल, वोट